नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम बेदियू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीन प्रमुख बातों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटना 2021 की रिपोर्ट जारी हो गई है और इसके आधार पर हम तीन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, दुर्घटना के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसे माना गया है और सबसे ज़्यादा दुर्घटना किसकी हुई है। और दूसरी बात, दुर्घटना सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया में हुई है या फिर शहरी एरिया में हुई है, रिपोर्ट के अनुसार ही बात की जाएगी। और तीसरी बात, दुर्घटना किस राज्य में सबसे ज़्यादा हुई है, पहली बात, और यहाँ पर, और दूसरी बात, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है, इस बात को हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ही बताया गया कि भारत में सड़क दुर्घटना 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसे कौन जारी करता है, ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में से हो सकता है। तो इसे सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसके लिए ये पुलिस विभाग, जैसे कि दुर्घटना होती है तब पुलिस आती है और अपना जो है साक्ष्य जुटाने की कोशिश करती है, किस व्यक्ति की दुर्घटना हुई, कैसे हुई, किस स्थान पर हुई, किस समय पर हुई, ये सभी बातें पुलिस के द्वारा ही जुटाई जाती हैं और उसी के आधार पर ये मंत्रालय या फिर जैसे NCRB ही हुआ तो ये क्या करते हैं, रिपोर्ट अपनी पब्लिश करते हैं। तो यहाँ तक का मामला हम जान चुके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि NCRB का डाटा मैंने लिया है और वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया कि 2020 और 2021 को टारगेट किया गया, जैसे एक ईयर को टारगेट करके बातें बताई जाती हैं। 20 की तुलना में जो 21 में दुर्घटनाएं हुई उनमें मौत का जो परसेंटेज है वह 17% अप हुआ है। और दूसरी बात, 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.55 लाख लोगों की मृत्यु हुई। और इसके साथ साथ 20 में अगर मृत्यु की बात की जाए तो 20 में 1.33 लाख मृत्यु हुई थी, इससे ज़्यादा हुई थी लेकिन इससे कम है। अर्थात 20 में जो मृत्यु हुई है वह कम हुई है लेकिन 21 में सड़क दुर्घटना में लोगों की जान ज़्यादा गई है, रिपोर्ट हमें यही बताती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो दौर था 20 का और 21 का, यहाँ पर लॉकडाउन का भी समय था। ये बातें अभी हम आगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि 2021 में कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, जैसे सड़क दुर्घटना कितनी हुई इसे सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि 4.03 लाख सड़क दुर्घटना हुई 2021 में, लेकिन वहीं पर जबकि एक साल पहले अर्थात 20 की बात की जाए तो 3.54 लाख हुई थी। अर्थात यहाँ पर भी हम 20 से 21 में बढ़ोतरी देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे कहीं पर भी अगर आप एग्जाम दें, कोई बड़ा एग्जाम, तो वहाँ पर ऐसा नहीं पूछता संख्या बल को लेकर के, वहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है कि 20 में 21 में क्या अंतर रहा, 20 में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। या फिर इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूँ तो जैसे आर्थिक जो सर्वे होता है उसमें इस तरीके से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और लोग क्या कहते हैं, बस केवल फैक्ट रटते रहते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता नहीं है क्योंकि उसे भी पता है कि कोई इतना फैक्ट रट नहीं सकता। तो वही बात यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की। और यहाँ पर आगे देखा जाए तो बात फिर से दोहराई जा रही है, लेकिन 2021 की दुर्घटना संख्या जो है वो 19 की तुलना से काफ़ी कम है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो 20 और 21 का दौर है उसमें लॉकडाउन एक बहुत प्रभावी कारक के रूप में जिम्मेदार हुआ है। और यहाँ पर बताया गया कि 2019 में जो दुर्घटना हुई उसकी संख्या 21 में कम है, अर्थात 8.1% की कमी सड़क दुर्घटना में देखी गई 21 में 19 की तुलना में। आशा करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब फिर रिपोर्ट हमें यहाँ बताती है कि जब जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है वो दो पहिया वाहनों की हुई है, जो दो पहिया वाहन वाले हैं उनकी मृत्यु सबसे ज़्यादा हुई। जैसे पूरी मृत्यु 100%, उसमें से 44.5% मृत्यु केवल दो पहिया वाहन वाले व्यक्तियों की हुई है। और इसके साथ साथ मौत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, जैसे कि शुरुआती लाइन में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा दुर्घटना किससे हुई और उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसे माना गया, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बस को सबसे ज़्यादा मौत के लिए जिम्मेदार माना गया। और इसके बाद जो दूसरी बात निकली यहाँ पर, जो तेज गति के कारण 87,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, केवल तेज गति के कारण। और यहाँ पर अगली बात कही गई रिपोर्ट में, खतरनाक और लापरवाही ड्राइविंग को के कारण 42,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जैसे खतरनाक, दो बस आ रही है उसके बीच से आप निकल गए, ये बात हुई। या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात
यहाँ पर होती है ओवरटेकिंग की। अगर आप ओवरटेकिंग का मामला देखेंगे तो वहाँ पर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा शिकार होता है दुर्घटना का। और इसके साथ साथ लापरवाही ड्राइविंग, आप हेलमेट नहीं यूज किए, ये आपकी लापरवाही हुई। और इसके साथ साथ ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किए, ये आपकी लापरवाही हुई। और इसके साथ साथ अगर आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं यूज किया, तब भी ये आपकी ही गलती है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई। अब यहाँ पर हम राज्य के अनुसार घटना को देखने की कोशिश करते हैं। तो 20 और 21 की यहाँ पर बात कही गई। तो 20 और 21 की जो सड़क दुर्घटना है उसके बारे में क्या बात कही जा रही है कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में दुर्घटना घटित हुई। गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम दुर्घटना की बात कर रहे हैं और आगे मृत्यु की बात करेंगे। ठीक है साथियों, कोई भी संदेह ना रहे, हम चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करें। तो 20 और 21 में सड़क दुर्घटना का जो अनुपात बताया जा रहा है, रिपोर्ट जो बताई जा रही है, आंकड़ा जो बताया जा रहा है, वो इस प्रकार से है कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हुआ, आप आंकड़ा देख सकते हैं, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में हुआ, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में हुआ, और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाएँ ज़्यादा हुई। और इसके साथ साथ अब हम मौत की बात करें तो मौत पर हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा, अर्थात ये क्रम बदल गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था, लेकिन वहाँ पर मृत को बचाया जा सका, घायल लोगों को बचाया जा सका। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीण एरियाओं में ज़्यादा दुर्घटनाएं देखी गई, जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पर ज़्यादा दुर्घटनाएं देखी गई। अब यहाँ पर ताजुब वाली बात यह हो सकती है कि सड़क इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, और शहर और गाँव का जो तुलनात्मक अध्ययन है उसमें शहर में ज़्यादा ट्रैफिक है, गाँव में ट्रैफिक कम है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, वो हो सकता है एजुकेशन, कि गांव के लोगों को हो सकता है ये एजुकेशन ना हो। जैसे कि आदमी ये सोचता है कि थोड़ी दूर जाना है, क्या करें, हेलमेट का है लिए यूज करें, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। और इसके साथ साथ सड़क जो हाईवे हैं वहाँ पर आपको ट्रैफिक नियम का पालन करना होगा, हेलमेट यूज करना होगा, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा वहाँ पर हैं, जागरूकता ज़्यादा है। और एक बात मुझे जो ज़्यादा लगती है कि ग्रामीण एरिया में जैसे कोई व्यक्ति चोटिल हुआ और उसे जल्दी से जल्दी ग्रामीण एरिया में जो है अस्पताल पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है, कुछ टाइम लग जाता है एम्बुलेंस आने में। और इसके साथ साथ जो शहर हैं वहां पर आदमी को जल्दी पहुंचाया जा सकता है अस्पताल, इससे उसकी जान बचाई जा सकती है। ये सब कुछ कारक हैं, कुछ कारण हैं जिसके वजह से मृत्यु का अनुपात ऊपर नीचे देखा जा रहा है। तो 21 यहाँ पर फिर रिपोर्ट बता रही है कि जो 2021 में लगभग 69% सड़क दुर्घटनाएं ग्रामीण एरिया में घटित हुई, जबकि शहरी क्षेत्र में केवल 31% ही हिस्सा रहा दुर्घटनाओं का, कुल 60%। मतलब यहाँ पर देखें तो हम लगभग अगर यहाँ से निकाल ही लें तो 38% का गैप दिखाई पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मुझे लगती है, अगर कोई भी व्यक्ति चोट खाया है तो आप उसे रुक कर जरूर देखें, वो आपके परिवार का, आपके रिलेटिव का, आपके किसी न किसी संबंधी का, या आपके पहचान का व्यक्ति हो सकता है, गली मोहल्ले का व्यक्ति हो सकता है। सबसे बड़ी कमी यही होती है, मैंने बहुत जगह इस चीज़ को देखा है। तो प्लीज़ रुक कर जरूर देखें कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, कितनी चोट लगी है। ये जो एक मानवीय कार्य है ये तो है ही, इसके साथ साथ आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगेगा। यहाँ पर जागरूकता की कमी होती है, आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। अगर आपसे पुलिस नाम तक पूछ रही है तब आप नाम अपनी इच्छा से बताएं अथवा ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर आपको नियम बताया गया है, आपको तौर तरीका भी बताया गया है। और इसके साथ साथ आप ये जो दुर्घटना वाली बात है, यहाँ पर दो विधि भी है, सबसे पहले पिनल कोड ही है, मोटर एंड व्हीकल्स एक्ट 1988, ठीक। और यहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं कि जैसे कोई दुर्घटना हो गई तब उसे क्या सजा दी जाएगी, कैसे उसका निवारण किया जाएगा, ये सभी बातें यहाँ पर दर्ज की गई हैं। और आप किसी भी प्रकार से विचलित ना हो लोगों की सहायता करने से, क्योंकि आप ये काफ़ी अच्छा कार्य है, आप किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, और इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।